संत स्वामी श्री एच डी नरसिंहानंद जी का और आपकी सभ्यता तब से है जब दुनिया में किसी को कुछ भी आता जाता नहीं था। मेरे साथ दोहराइएगा, बोलिएगा, एक अरब 96 करोड़ 8,53,123। हमारी सभ्यता 1,000-2,000 वर्ष पुरानी नहीं, हमारी सभ्यता जब से सृष्टि की है तब से हमारी सभ्यता है। कितनी है? 1,96,08,53,123वां वर्ष कल से शुरू हो चुका है। तो इतनी महान, इतनी पुरानी सभ्यता संस्कृति के वाहक आप लोग हैं। और याद है, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर के विक्रमी संवत तक भी नववर्ष मनाया जाता था, तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही मनाया जाता था। लेकिन हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति इतनी नीचे हमारे बीच में आ चुके हैं। एक बार सभी साथियों को सूचना दे रहा हूँ कि भाई प्रीत सिंह हमारे बीच आ चुके हैं। सब जोर से तालियों से स्वागत करते हुए जय श्री राम के नारे लगाइए। बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आवाज नहीं आ रही, और जोर से जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे वंदे श्री राम, जय श्री राम। भाई प्रीत सिंह आ चुके हैं, मैं चाहता हूँ सभी साथी जितने भी हैं सब यहाँ पे इनका तालियों से स्वागत करें। और व्यवस्था प्रभारी के लिए सबको कह रहा हूँ कि जिन्होंने बेल लगा रखा है कृपया वही मंच के आगे आए। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। तो हम कैसी बात करें, आज इस देश के लिए खून पसीना बहुत से ज्यादा टैक्स कौन देता है, सब्सिडी कौन लेता है, समानता है क्या? अच्छा चलो, हो सकता है कि भाई आपके पास हो, कमाई नहीं हो रही है, और कृपया उनका जोर से ताली से स्वागत किया जाए। अगर हम उसमें भी नहीं देखते तो भाई आपको पास कम से कम आपके पास धन्यवाद का भाव होना चाहिए। तो क्या जो हिंदू है वो हिंदू टैक्स पे करता है हमारी सब्सिडी के लिए, समानता क्यों मानूं? ऐसे 100 से ज्यादा प्रश्न मेरे मन में हैं जो मुझे समानता की बात नहीं करते।